good thing. Another night ruined, I don't even know when we came this way. Now you're acting so. गलत क्यों किया था? वो यूएसए वाली आ गई थी फौरन मेरी तरफ कि ये कहाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोगों ने गलती से गाड़ी जो है वो नियाग्रा फॉल आए थे तो हमने अमेरिका वाली साइड पे गलती से गाड़ी लगा दी थी, तो लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो फौरन हमारी तरफ बढ़ने लगी, तो हमने जो है वो टर्न कर लिया। अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं और पार्किंग लगाने के बाद जो है हम बाहर आ गए हैं। ये जो है वो यूएसए वाला एरिया है और ये जहाँ मैं चल रही हूँ ये कनाडा वाला एरिया है। सो सर्दी बहुत हो रही है। तो जी ये जो सामने सारी आपको ड्यूटी फ्री शॉप नज़र आ रही है, वो जो लाइटिंग एक बिल्डिंग पे ब्लिंक कर रही है, वो सब जो है वो न्यूयॉर्क है। और ये इन्होंने बीच में पार्टीशन दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, वो बॉर्डर एक तरीके से ये है बॉर्डर की, उस तरफ ये अमेरिका है और इस तरफ जो आ जाएंगे जिस तरफ मैं चल रही हूँ ये जो है वो कैनेडियन साइड है। तो ये बिल्कुल ये हम लोग जो है वो अभी जल्दी जल्दी से जो है वो नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे हैं और आज जो है वो बारिश भी हो रही थी। हमारे पास एक्चुअली दिन इतने कम रह गए थे तो हमने फिर इससे पहले एक दिन भी बारिश हो रही थी, हमने कहा हमारे पास दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमने आज जो है वो हल्की फुहार थी तो हमने सोचा कि आज का दिन जो है वो हम रख लेते हैं नियाग्रा जाने के लिए। और आप लोगों ने जो है मेरा व्लॉग बिल्कुल भी आगे आगे करके नहीं देखना है, पूरा कम्प्लीट व्लॉग देखना है। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। और देखें इतनी सर्दी है, सब कुछ है और मेरी बेटी को मैंने मिटन्स भी पहनाए हुए हैं और विंटर जैकेट भी पहनाई हुई है, और फिर भी देखें मैं आप लोगों के लिए सब कुछ फिल्म कर रही हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को जो है वो एंटरटेन जो है वो कर दूँ। और आज मेरी जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो नियाग्रा के दोनों पॉइंट दिखाऊँगी। नियाग्रा एक तो डे टाइम में भी बहुत खूबसूरत लगता है और एक उसका नाइट का व्यू है वो भी बहुत ही मज़े का है। और हमने जो है वो स्टारबक्स से कॉफ़ी वगैरह ले ली थी क्योंकि बहुत ही सर्दी हो रही थी। और वो देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे जो भी बिल्डिंग्स नज़र अभी आपको आई हैं वो सारी जो है वो न्यूयॉर्क के बिल्डिंग्स हैं। और अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है वो नियाग्रा का व्यू दिखाती हूँ। और अभी हम जो है वो जल्दी जल्दी से चल रहे हैं नियाग्रा की साइड पे। और तो नियाग्रा फॉल्स पे जो है वो क्रूसेस चलते हैं, हॉर्न ब्लोअर नियाग्रा क्रूसेस, ये आपने ऊपर अभी नाम लिखा हुआ देखा होगा। तो यहाँ डिफरेंट जो है वो क्रूसेस चलते हैं और लोग जो है वो शिप पे बैठ के पूरा नियाग्रा को एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा आई एम श्योर। लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वैसे मैंने अपना पूरा इरादा बनाया हुआ था कि मैं जो हूँ वो शिप पर ज़रूर जाऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको एक व्यू दिखाने वाली हूँ ऊपर से और जहाँ आपको नीचे से शिप नज़र आएंगे वो इतने छोटे छोटे से हैं और मुझे देख के बहुत डर लगा। तो अभी मैं यहाँ कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही थी और अभी मैं आपको यहाँ से दिखाने वाली हूँ नीचे शिप खड़े होंगे। तो देखें आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन मेरी तरह जो है वो डरपोक है। नियाग्रा लकीली आज हमें इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं मिला था, वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये देखें ये यूएसए की साइड है नियाग्रा फॉल्स की और ये ब्रिज के उस साइड से अमेरिकन जो है वो सारे आके नियाग्रा फॉल्स को इंजॉय करते हैं और जो कैनेडियन होते हैं वो इस वाले एक तरफ आके और वो कनाडा की साइड को जो है वो एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है वो यूएसए साइड से ही हम एंटर हुए थे और अभी हम आगे जाके जो है वो कैनेडियन साइड आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। और अगर जो है वो कोई देख रहा है और वो नियाग्रा फॉल्स आ गया है तो उनको तो पता होगा कि यहाँ कितना जो है वो आवाज़ कितनी अच्छी लगती है फॉल्स जब हो रहा होता है और कितना जो है वो मज़े का मौसम हो रहा होता है। और अभी जो है वो यहाँ डे टाइम नहीं था वरना यहाँ मोस्टली जो है वो रेनबो बहुत ज़्यादा नज़र आती है और हर वक्त ही जो है वो यहाँ रेनबो नज़र आ रही होती है। जी तो जनाब ये है कैनेडियन साइड नियाग्रा फॉल्स की और कैनेडियन साइड जो है वो काफ़ी बड़ी है फॉल्स की और अमेरिकन साइड जो है वो छोटी है। तो मैंने जो है वो कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पूरा व्यू दे सकूं, पूरा टूर करा सकूं जहां मैं गई थी और जो जो लोग जो है वो जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख के इंजॉय करें। और जो लोग मुझे बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करके पूरा व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब जो है वो शाम होने लगी है तो लाइटिंग ऑन हो गई है, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे बड़ा ही मज़े का इसका नियाग्रा फॉल्स पे जब लाइट आ रही होती है कलरफुल सी तो वो कितनी मज़े की लगती है।
तो देखें हल्की हल्की यहाँ शाम हो गई थी और रात होने लगी थी, तो लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं और पानी पे पड़ने लगी हैं। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको जूम इन किया है और मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वरना जो है वो मैं ज़रूर यहाँ पे एक दिन का स्टे करती और इसको बैठ के जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो यहीं कहीं मैं जो हूँ मोटेल या होटल ले लेती और इसको जो है मैं रात भर देखती इंजॉय करती, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आई होप आप लोगों को भी जो है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी हम लोग जो है वापस वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि जो है हमने दोनों व्यूज़ जो है वो देख लिए थे, डे के भी नाइट के भी, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। नियाग्रा पे आके सर्दी जो है वो जितनी थी उससे डबल हो गई थी। तो जी ये है नियाग्रा फॉल्स की मार्केट जिसका नाम है क्लिफ्टन हिल। मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ का भी टूर दूँ, और उतरने का हम लोगों का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से ये कोरोना का जो है वो सिचुएशन थी, तो बिल्कुल सेफ़ नहीं था कि किसी भी हम राइड पर जाते या ऐसी कोई चीज़ करते। लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था देख के कि मैं अंदर जाऊँ और राइड इन्जॉय करूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतने इतने मज़े की जो है वो जगह हैं। नियाग्रा से जी हम आ गए थे वापस, और हमारे जो है वो फ्रेंड जो थे जिनके साथ हम लोग अक्सर जो है वो घूमने फिरने का प्लान बना रहे थे मिसिसागा में, तो वो लोग भी हमारे साथ थे और हमारा प्लान था उनके घर जाके जो है वो बैठ के और ये स्टूडेंट बिरयानी को जो है वो इंजॉय करने का। तो स्टूडेंट बिरयानी के हम अंदर आ गए हैं, जितना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था। डाइन इन जो थे वो टोटली क्लोज थे क्योंकि जो है वो सेकंड स्टेज जो है वो हमारे यहाँ टोरंटो में भी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अभी हम लोग जो है वो मेन्यू जो है वो मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सी चीज़ जो है वो ली जाए, क्या क्या चीज़ें पैक कराऊं, और वो हमारे फ्रेंड भी जो है वो खाने वाले थे इसलिए जो है वो आपको पार्सल जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो हमने चिकन बिरयानी ली थी, बीफ बिरयानी ली थी और चिकन टिक्का बोटी बिरयानी ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ली थी और शायद पान वगैरह लिए थे मेरे हस्बैंड ने। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसका डेकोर आपको दिखाऊँ, बना हुआ बहुत खूबसूरत है, डाइन इन का एरिया भी बहुत खूबसूरत है नो डाउट। लेकिन ये कि बिरयानी से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि बिरयानी उस लेवल की नहीं थी यहाँ की। खैर कोई बात नहीं, हमने यहाँ से खाना वाना पिक कर लिया है, अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ और वहाँ जाके हम लोग बैठ के खाने वाले हैं बिरयानी। बिरयानी वैसे देखने में बहुत ज़्यादा चटपटी, मज़े की और स्पाइसी लग रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिरयानी बिल्कुल बिरयानी में कोई भी टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी बच गई बिरयानी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद में सबके लिए कुल्फ़ी लेके आई हुई थी डिफरेंट फ्लेवर्स की, तो ये इन्जॉय की हम लोगों ने। तो जी व्लॉग जो है मैं कर दूँगी यहीं पर एंड, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वन में। अल्लाह हाफ़िज़।